शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी, ओह गॉड, ये दादी को भी अभी आना था। अब क्या करूं? ले वो साड़ी का ब्लाउज। भैया रे भैया, अपनी प्यारी साड़ी आशी ने चला दी। मैया रे मैया, फैंटास्टिक। बहुत रोई हूँ मैं तेरी वजह से आशी, अब मैं तो जरूर लाऊंगी, है ना? इतना तो बनता है यार। आ रही है दादी, शुरू हो गई तेरी बर्बादी। दादी, बाबा, काकी, निधि विद्या आ जाइए प्लीज। आशी, अरे ओ आशी। जी दादी। लापरवाह कामचोर लड़की। क्या हुआ दादी? एक कहा है? एक साड़ी भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकती तुम? उस डेनी साड़ी थी हमारी। अरे ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा आजकल? ओह नो, ये साड़ी कैसे जल गई? इसे तो आशी प्रेस कर। इसका मतलब ये तुमने जलाई है? इसी ने जलाई है, इसको लगा होगा। साड़ी तो पुराने जमाने की है, पुरानी फैशन की है, नहीं पहननी, इसे तो जला दी। दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो जब आए थे तो हमने प्रेस साइड में रख दी थी। साइड में रखी थी तो क्या खुद ब खुद उड़ के इसके ऊपर आके गिरी? ओह गॉड, फिर से नया ड्रामा। दादी आपको साड़ी चाहिए ना, मैं अपने वेंडर को कह के सेम साड़ी आपके लिए बनवा दूंगा। लेकिन इस साड़ी के साथ हमारी यादें, भावनाएं, प्यार, हमारी खानदानी कहाँ से आएगी जो इस साड़ी से जुड़ी हुई है? दादी प्लीज, इस घर के लोगों के मुँह से प्यार, भावनाएं, यादें, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब टावर जैसे क्यों खड़ी है? नाश्ता परो सबको। सॉरी दादी। सॉरी। हमको है वो मूंगफली की वो एलर्जी है। क्या हुआ अम्मा? दादी, अम्मा जी, पानी पानी देना। अम्मा जी आप ठीक तो हैं? अम्मा, पानी दो, पानी पानी दो। अम्मा जल्दी से पानी। अम्मा क्या हुआ? दादी, अरे सास। कुणाल, जल्दी डॉक्टर को बुला। मूंगफली। अमृता, जब तुम्हें मालूम है कि अम्मा को मूंगफली एलर्जी है तो तुम मूंगफली क्यों डाली? अरे हमने नहीं डाली खाना, हमने नहीं, आशी ने बनाया। क्यों आशी, अम्मा जी ने जरा सा डांट क्या लिया, तुम तो बदला लेने पर उतर आई। तुम जानती हो अम्मा जी की सांसें अटकती है मूंगफली खाने से, तो फिर क्यों किया ये सब? दादी, बाबा कुछ कीजिए ना प्लीज। बाबा काकी, I'm sorry, please। हमको लगता है हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए हमको। हम कुणाल के लिए पोहा बना रहे थे, शायद गलती से सब्जी में मूंगफली। प्लीज सॉरी बाबा, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज कुछ कीजिए। नहीं अमित जी, आप डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। मिता कैसी बात कर रही हो? अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, तुम करी डॉक्टर को ना बुलाओ। आप शायद भूल गए अमित जी, लेकिन हम नहीं भूले। अम्मा जी को अंग्रेजी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, उन्हें बस आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज ही सूट करते हैं, तो बस अम्मा जी के लिए देसी तरीका ही अपनाएंगे हम। काकी, दादी को एलर्जी हुई है, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। ये सारा कांड ना तुम्हारी वजह से मचा है, इसलिए कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अम्मा जी को अंदर ले चलो, चलो जल्दी। अरे ये बुढ़िया तो बहुत भारी है। आशी, हमारी हेल्प कर दो ना प्लीज।
संभल के बेटा। आराम से। आशी सुनो, अम्मा जी के पलंग के चारों ओर ना वो गोबर का लेप लगा दो, हाँ, और दरवाजे पे भी नीम की पत्ती, चल जल्दी कर। पर काकी माँ, अभी अभी दादी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये गोबर और ये सब से तो। हाँ माँ, ये कैसी पुरानी सोच है, मतलब पता है दादी को एलोपैथी पसंद नहीं है, बट माँ प्लीज बी प्रैक्टिकल, हम डॉक्टर को बुलाते हैं प्लीज। हम जो कह रहे हैं उतना करो, हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। चलो जाओ, आशी की मदद करो। और विद्या तुम। क्यों माँ, मुझे तो बोलना भी मत, मुझसे तो उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो उसके आने से पहले ही जा रही हूँ। और आप हमारे साथ चलिए, वैद्य जी के पास होते हुए आएंगे, हाँ, अम्मा जी के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, और आते आते मंदिर भी जाएंगे, महामृत्युंजय का पाठ करेंगे फिर आएंगे। अमृता, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अम्मा जी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हम कह रहे हैं ना आपसे, हमसे बेहतर अम्मा जी को कोई नहीं जानता, हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारी एक बात सुन लो, अगर इस चक्कर में अम्मा जी को कुछ हो गया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं आशी कहाँ रह गई, जल्दी लाना, कितनी देर लगा दी, चल फटाफट लगाते हैं। ए लड़की, फोन कहाँ है तुम्हारा? वो रखा है। ला दे इधर। देना, फोन ले जा रहे तुम्हारा, समझी, ताकि हमारे पीछे कोई बेवकूफी ना करो तुम। कुणाल बेटा, इस लड़की पर नजर रखना, आप चलिए। ओहो आशी, तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा साथ नहीं देती, हमेशा दूसरों की गलती की सजा तुम भुगतती रहती हो। राम जी प्लीज दादी को ठीक कर दीजिए, हमारी गलती की सजा उनको मत दीजिए राम जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे जिससे हमारी दादी ठीक हो जाए, प्लीज राम जी प्लीज। आशी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर गलती के लिए खुद को क्यों गुनहगार समझती हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हुआ वो किसी ने जानबूझकर किया हो, तुम्हें फंसाने के लिए, जो भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे तुम पे इतना विश्वास है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पहले से पता था ना कि दादी को पीनट से एलर्जी है, और ये जानते हुए भी तुम ऐसी गलती से भी गलती कर दो, और वो भी ऐसी गलती जिसे दादी की जान पे बना है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती आशी। मैं जानता हूं मेरी आशी कभी गलत हो ही नहीं सकती। रो मत, तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग रहना है ना राशि, तुम जानती हो ना माँ को, काकी को, उनकी सोच सबसे अलग है। हाँ तुम भी ठीक हो, दादी को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तुम कॉल कर दो। काकी माँ ने हमारा फोन रख लिया, हम कैसे कॉल करें? तो कोई नहीं, तुम मेरे फोन से कर लो। आशी तुम डॉक्टर से बात कर लो, और मैं अपनी फैमिली डॉक्टर को लेके आता हूँ। वाह, वहां दादी की तबीयत खराब है और तुम दोनों यहाँ प्यार के पंछी गुटरगू कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कुणाल तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सही तो हम समझ अभी रहे हैं, देखा नहीं हमने
कैसे ये तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ पे खड़ा हुआ था, और अब तुम अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए हमें अंधा कहोगी, है ना? बोलो बोलो बोलो। कुणाल, हम कह रहे तुम गलत समझ रहे हो, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, और वो भी हम दादी के लिए। प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम्हें दादी की फिक्र है, तुम जैसी लड़कियां ना। कुंदन, बस एक और शब्द नहीं। वरना क्या करेगा तू? चुप हो जा। कुणाल, सिर क्या कर रहे हो? कुणाल प्लीज छोड़ो, सिर प्लीज छोड़ो, सिर प्लीज छोड़ो। कुणाल, सिर क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज छोड़ो। मैं जानता हूं मेरी आशी कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरी आशी, जिगरा तो देखो, हमारी आशी से आशिकी हमारी बीवी को अपनी कह रहा है। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आशी तो सिर्फ हमारी है और आशी सिर्फ हमारी ही रहेगी। वैसे कि एक मौका अच्छा है, कुणाल की आंखें बता रही हैं कि आशी पे बहुत गुस्सा है, इस गुस्से में थोड़ी और आग लगा दे, आशी को थोड़ा और बेइज्जत कर दे, मजा आएगा। चल। हाय कुणाल, क्या कर रहे हो? देखो, हमारा मूड बहुत खराब है, जाओ यहाँ से। एक सेकंड, एक बात बता, तुम यहाँ कर क्या रही हो? मेरा मतलब इस घर में क्या कर रही हो? और वो उस सिर इस घर में क्यों है? चले क्यों नहीं जाते तुम लोग यहाँ से? जीना हराम कर रखा है हमारा। अरे कुणाल, आगे मत जाओ, कहाँ से चोट लग जाएगी। अरे चोट को हम लगे हैं, चोट हमें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी हमारी बीवी को भी हमसे ज्यादा किसी और की पड़ी है। ऐसा नहीं है कुणाल, तुमने देखा नहीं आज आशी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए पोहा बनाया था? काफी टेस्टी था। नहीं खाना क्या, आशी तो हर काम अच्छे से कर लेती है, चाहे वो घर संभालना हो, स्टोर संभालना हो, या फिर घर वालों का ध्यान रखना, और हाँ डांस करना भी। याद नहीं है आशी की बर्थडे पार्टी जो मैंने ऑर्गेनाइज करी थी? तुम भी तो थे वहां पे कुंदन बनके। उस दिन आशी ने सिट के साथ मास्क में क्या खूब डांस किया था। अरे मेरे पास तो वीडियो भी है, देखो देखो ना। पर एक मिनट, आशी तो तुम्हारी पत्नी है ना? ओह, लेकिन उसने तुम्हारे साथ डांस नहीं किया। दादी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर इस वक्त आपको आपको भी डॉक्टर के इलाज की सख्त जरूरत है। हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं दादी। कुणाल को बताने चलना चाहिए कि हमारे पास फोन, वो भी सिट का, वरना ही बवाल मचा देगा। कुणाल, तुम पी कर आए हो? हाँ पिए तो, और तुम यहाँ घर क्या रही हो? चलो हमें काम, चलो। हम नहीं जा सकते, दादी की तबीयत खराब है, वो बेहोश है। कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? दाद, ये तो सो रही है, और हाँ, जो इंसान सो रहा होता है ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, गलत बात, इसीलिए चलो हमारे साथ। कुणाल प्लीज, उनको छोड़ो। कुणाल छोड़ो उनको, क्या कर रहे हो? करना तो तुम्हें डांस,
जानते हैं तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और हमारा ना बहुत मन है तुम्हारा डांस देखने का। तो ये लो ड्रेस हमारे लिए, अपने पति के लिए एक अच्छा सा डांस करो। कुणाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वहां दादी की तबीयत खराब है और तुम ये, और हमें कोई डांस वांस नहीं आते। बर्थडे पे उस प्रेम रतन के साथ तो बड़ा मटक मटक के डांस कर रही थी और हमारे लिए डांस करने में थी नौटंकी क्यों? ये लो ड्रेस। कुणाल तुम सच में होश में नहीं हो ना? दादी वहां पे बेहोश है, हमें उनके साथ देना चाहिए और तुम यहाँ पे ये सब जिद लगा के बैठे हुए हो। हमने तुम्हें कह दिया है हमें कोई डांस वांस करना नहीं आता और हम तुम्हारे साथ कोई डांस नहीं करने वाले। कुणाल क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ हमको। कुणाल क्या कर रहे हो? कुणाल छोड़ो, लग जाएगी तुम्हें, चोट लग जाएगी, प्लीज नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कभी कुछ नहीं करोगी, उस सीट के लिए करोगी। हमसे नहीं सब देखा नहीं जाता, दर्द होता है हमें, इसीलिए अपना दर्द खत्म कर देते हैं और तुम दोनों के बीच से हट जाते हैं। कुणाल प्लीज छोड़ दो, हम करेंगे डांस, तुम प्लीज छोड़ो इसको, छोड़ो कुणाल। सवेरा इसे पहन के नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा हॉल में इंतजार कर रहे हैं और अगर नहीं आई ना तो अपनी जान ले लेंगे, याद रखना। चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं कीजिए, आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं हो रहा आपको। हमारे बेटे को तो बड़ा शराफत का पाठ पढ़ाया जाता था, अब कहां गई आपकी लाडली की शराफत? या शब्द नहीं है आपके पास बोलने के लिए? तो यहां आओ, शर्म लाज इज्जत हया सब कुछ पोटली में बांध के फेंक के आई हो क्या? अरे निर्लज,
वहाँ अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, पर तू यहाँ नचनिया की तरह ताता थैया कर रही है। काकी अब हम ये सब नहीं कर रहे थे, कुणाल ने हमें खबरदार जो अपना किया कराया हमारे बेटे के सर पे थोपने की कोशिश की तो। आशी ऐसे कपड़ों में, ये डॉक्टर को यहाँ किसने बुलाया? मना किया था ना हमने, अम्मा जी को देसी दवा ही चलती है, ये अंग्रेजी डॉक्टर का यहाँ क्या काम? आशी आज सारी हदें पार कर दी तुमने, तुम हमारे खिलाफ गई हो, हमारे मना करने के बावजूद डॉक्टर को बुलाया, पहले ये डॉक्टर फिर ये बेहुदा कपड़े, इस घर की इज्जत मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। माँ, इसमें आशी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, तो इस घर की मान मर्यादा हम तोड़े, आपके गुनहगार हम हैं, आशी नहीं। इसमें आशी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हाँ मां, ये जो भी सजावट देख रहे हैं आप, ये डेकोरेशन, ये म्यूजिक, ये सब हम की है। आशी तो दादी के कमरे में बैठी हुई थी, इसे हम नीचे लेकर आए और कहा कि हमारे साथ डांस करो, और ये ड्रेस भी हम ही ने उसे दी है, तो इस घर की मान मर्यादा हम तोड़े, आपके गुनहगार हम हैं, आशी नहीं। हैं? अब ये इसका क्या नया ड्रामा है? तुमने किया ये सब तो फिर बताओ, अम्मा जी की तबीयत इतनी खराब है तो क्यों किया ये सब? तो क्या करते मां? हमारी पत्नी इस लड़के से प्यार करती है और ये लड़का इसी घर में रहता है हमारे सामने, हमारी पत्नी की आंखों में हमारे लिए नहीं किसी और के लिए प्यार है, सब दिख रहा है हमें पर हम कुछ कर नहीं पा रहे, और इसे देखो आशी के एक इशारे पे डॉक्टर को ले आया। आशी तुमने हमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हें हमें विश्वास ही नहीं है, है ना? हमारे और आशी के रिश्ते की ट्रेन पटरी पे चढ़ी नहीं रही है, और चढ़ेगी भी कैसे, हम दोनों को साथ में वक्त ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने ये सब किया ताकि थोड़ा वक्त बिता सके इसके साथ। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताने का सोचे तो क्या गलत सोचे। अब माहौल की बात करें, इस घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, आज दादी की तबीयत खराब हो गई, कल कुछ और, परसों कुछ और, इतने बरसों बाद अपने परिवार से मिले, अपनी पत्नी से मिले, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रिश्ता बन ही नहीं रहा है। घर पे कोई था नहीं तो सोचा कि अच्छा मौका है, अपनी पत्नी के दिल में थोड़ी जगह बना लेते हैं। गलत सोचे क्या हम? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पत्नी के दिल से सिद्ध के लिए प्यार कभी जाएगा ही नहीं। कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिल में सिद्ध के लिए कुछ भी नहीं है। गलत तुम समझ रही हो आशी, तुम्हारे दिल में क्या है वो साफ साफ तुम्हारी आंखों में दिखता है। देखा आपने, आपके एक गलत फैसले ने हमारे बेटे को क्या करने पे मजबूर कर दिया। कुणाल देख, मैं एक नहीं तुझे हजार बार बोल चुका हूँ, मेरे और आशी के बीच में कुछ नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ अपने पैसों के लिए। अच्छा ठीक है, इसे अभी साबित कर देते हैं। आशी, इस घर में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा मान तुम बाबा से करती हो ना, तो इनके सर पे हाथ रख के कसम खाओ, कसम खाओ कि तुम सिद्ध से प्यार नहीं करती। वाओ कुणाल, मान गई यार, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। देखते हैं अब आशी क्या बोलती है, किससे अपनाती है, सिद्ध का प्यार या अपने बाबा का प्यार। आशी कसम खाओ। इसे कैसे कसम? नहीं खा सकती ना, जानते थे जब दिल में प्यार है इसके लिए तो कैसे कसम खाओगे? नहीं कुणाल, आशी कोई कसम वसम नहीं खाएगी, आशी कोई अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा अमित जी, हमारे बेटे को शक हुआ है ना,
तो आशी ये बोलेगी कि उसके और सिड के बीच में कुछ नहीं है, तभी हमारे बेटे का शक दूर होगा। तुम ये क्या कह रही हो? नहीं अमित जी, आशी को तो ये कसम खानी ही होगी। आशी, अपने बाबा की कसम खा के कह दो कि तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम इस लड़के को प्यार नहीं करती। खाओ कसम, कसम खाओ आशी। हे राम जी, हम अपने बाबा की झूठी कसम नहीं खा सकते कि हमारे दिल में सिद्ध के लिए कुछ भी नहीं है। आशी, जानता हूँ ये सब करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, और ये भी जानता हूँ कि तुम बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाओगी। आशी से क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछना। मैं बताता हूँ, आशी और मेरे बीच में कुछ नहीं। अच्छा, तू बकैती करेगा और हम मान लेंगे? मानना है तो मान, मैंने तो सच बोल दिया। सच नहीं, झूठ बोल रहा है तू। हवा में बातें उड़ाने की आदत नहीं है हमें, फिर भी तू बोल रहा है ना कि तुझे प्यार नहीं है, तो साबित कर। सुना होगा ना कि साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। क्या सबूत है तेरे पास कि तू उस आशी से प्यार नहीं करता? सबूत चाहिए ना, मैं देती हूँ सबूत। सिर्फ आशी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, और इसीलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिद्ध से शादी करने वाली हूँ। और वो भी बहुत जल्द। और हाँ, ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला खुद सिद्ध का है। हाँ, सिद्ध ने मुझे यहाँ आने से पहले प्रपोज किया था। चलो ठीक है, अब जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद हम मान लेंगे कि सिड और आशी के बीच में कुछ नहीं है। आशी से क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछना। मैं बताता हूँ, आशी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। सिर्फ आशी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, आज मैं आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ से शादी करने वाली हूँ। पांचवा वचन, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, जान भी देनी पड़ जाए तो जान हंसते हंसते कुर्बान। ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला खुद सिर्फ का है। आशी तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना की और सिद्ध की शादी हो रही है, तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, तुझे कोई हक नहीं है, तुझे कोई हक नहीं है सब महसूस करने का। तू इस घर की बहू है आशी, तेरी दुनिया यही कहीं बसती है, और ये तेरा ही फैसला था ना, तुझे निभाना होगा। आशी, आशी दरवाजा खोल। तो ठीक है, जानते हैं उदास है, मत हो ठीक? मुझे पता है गीत झूठ बोल रही है, उसने इसके पहले भी कई बार तुझे बचाने के लिए झूठ बोला। निधि, हम चाहते हैं कि इस बार की जो भी बोल रही हो सच हो। अपने बाबा की कसम खा के कह दो कि तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बैठो इधर।
ठीक तो हो ना? थैंक्स गीत, तुम सच में एक अच्छी दोस्त हो। तुमने फिर एक बार मेरी और आशी की हेल्प की। मैंने ना तुम्हारी हेल्प की है और ना आशी की, मैंने सिर्फ अपनी हेल्प की है। और मुझे तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त नहीं बनना है। क्या मतलब? मतलब ये सिर्फ कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त नहीं बन के रह सकती हूँ। थक गई हूँ मैं ये दोस्ती निभा निभा के। सोचा था कि एक ना एक दिन तुम्हें इस दोस्ती के पीछे का प्यार जरूर नजर आएगा। सच बताओ सिर्फ, तुम्हें सच में नहीं नजर आता? मेरी आंखों में नहीं दिखता? हाँ, एक बार देखो सिर, एक बार देखो मेरी आंखों में, कितना प्यार है तुम्हारे लिए। आई लव यू, इतना प्यार करती हूँ तुमसे, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत दिल टूट जाता है सिर जब तुम्हारा प्यार किसी और से प्यार करता है, वो भी किसी ऐसे से जो उसका कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ सिर, मैंने नीचे जो भी करा या जो भी कहा, वो तुम्हारे आशी के लिए नहीं था, वो मेरे लिए था। क्या हुआ? मैं सेल्फिश लग रही हूँ तुम्हें? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रही, एक बेनाम रिश्ते के साथ अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, सबको छोड़ के बैठी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे इस घर में क्यों लाए हो, आशी को जेलस फील कराने के लिए, है ना? मुझे पता है सर कि तुम मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे हो, पर मैं ये सब खुशी खुशी होने दे रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। पर अब और नहीं सर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज अब बंद करो ये सब। ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कभी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छी दोस्ती माना है। पर अब मुझे इस दोस्ती के साथ तुम्हारा प्यार भी चाहिए। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, सोच के भी डर लगता है मुझे। अब नहीं हो रहा सिर, अब मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज 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 सिर, प्लीज सच को देखो, मानो, वो भी आगे बढ़ चुकी है, तुम भी आगे बढ़ो सिर। आशी, जैसा तुमने कहा था वैसे डॉक्टर से बात कर ली थी, डॉक्टर ने एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिया है, दादी जल्दी ठीक हो जाएगी। बिना पूछे तूने अम्मा जी को ये इंजेक्शन कैसे लगा दिया, और तू खड़े-खड़े इसका मुंह क्या निहार रही है? रोक नहीं सकती थी इसे? लगता है तुम दोनों अम्मा जी की जान लेकर ही मानोगे। नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, ये जरूरी था दादी के लिए। मना किया था ना? मना किए थे कि नहीं? अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर को नहीं बुलाना है, बोला था कि नहीं? अम्मा जी को अंग्रेजी दवाई से फायदा नहीं होता है। अब अगर अम्मा जी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम या ये? अमृता, अरे बात को समझो, अम्मा को दवाई की जरूरत थी और इन दोनों ने जो किया सही किया। इन दोनों की कभी गलती नजर आती है आपको? काकी प्लीज समझिए, ये इंजेक्शन दादी के लिए बहुत जरूरी था, दादी कब से बेहोश हैं और इतनी देर बेहोश रहना उनके लिए सेफ नहीं है। मैं तो बस इंजेक्शन लगाने से पहले एक बार नहीं सोचा तुमने? एक बार हमें, अमित जी को, किसी को तो फोन किया होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है ना। अरे क्या सिखाया तुम्हें शर्मा जी ने? हाँ, किसी और के घर में कैसे रहते, कुछ भी नहीं सिखाया। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, ये तो खून में होती है, और तुम्हारा खून तो पता नहीं किस
किसका है? अमृता, सिद्ध सुनो, अम्मा जी को होश आ रहा है। अम्मा, अम्मा आप ठीक है ना? अच्छा वो आप होश में आ गया, हम तो घबरा गए थे। अम्मा आपको पता है, अगर इस वक्त आप ठीक हुई है ना, तो वो सिर्फ आशी और सिद्ध की वजह से। इन्होंने आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिया था, तभी आप ठीक हुई हो। दादी आज आप ये दलिया खाइए। दलिया नहीं खाना है मुझे। अम्मा ये तो आपको खाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर ने बोला है। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। आशी आई एम सॉरी, हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो, और उसके बाद भी हमने बात का पतंगड़ बना दी, गलत किया। सबके सामने तुमसे चिल्ला के बात की थी, अब सबके सामने तुमसे माफी मांग रहे। कोई बात नहीं कुणाल, सॉरी। विद्या ने थी कहा है, खाने पे क्यों नहीं आई दोनों? हम आ गए माँ, और वीदी ने कहा है कि उनका मन नहीं है खाने का, तो वो अपने कमरे में आराम करिए। एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ। आशी, सर और लोग हैं उसे बचाने के लिए, अब तुम्हें इसके हेल्प करने की जरूरत नहीं। बाबा हम ठीक है। आशी को हुआ क्या है? सर लगता है स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया होगा, हमें ये कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया उन्हें, तो इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, और सर नर्स यहीं पर है ताकि वो इन्हें मॉनिटर कर सके। हाँ अम्मा जी को देख कर आते। डॉक्टर साहब आइए हम आपको छोड़ देते। आशी ना, मैं जब भी दो कदम आगे बढ़ के सिट के करीब जाने लगती हूँ, ये ऐसा चपट्टा मारती है कि सिट मुझसे चार कदम दूर हो जाता है। आप प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। श्री राम बाबा, बाबा आपकी चाय। तुझे डॉक्टर ने आराम करने को बोला है ना, फिर तू नीचे क्यों आई? चाय अमृता ले आती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे रहते काकी काम करे और हम कमरे में आराम, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सिड, हम अपनी शादी के सारे फंक्शंस बहुत धमाकेदार करेंगे। ठीक हो? बैठिए अम्मा जी। काकी आप सब लोग नाश्ते के लिए चलिए, तैयार है, हम विद्या दी को बुला के आते हैं। आशी तुम ठीक हो ना? ठीक है। विद्या दी कितना टाइम लगा रही है, विद्या दी जल्दी आ जाओ। निधि क्या हुआ, तू इतने टेंशन में क्यों है? पहले तो ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर ने तुझे आराम करने कहा था ना, जा अपने कमरे में आराम कर। कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है। हाँ तू एक बात बता, तू अभी तक नहाई क्यों नहीं है? और ये विद्या दी कहाँ पे है?
कल रात से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। हम तुम दोनों को नाश्ते के लिए नीचे बुलाने आए थे। नाश्ता तो हम तब करेंगे ना जब हम नहाएंगे, और नहाएंगे तब ना जब विद्या दी बाहर आएंगी। कब से बाथरूम में पता नहीं क्या करिए, इतना टाइम कोई नहाता है क्या? पता नहीं मेकअप करिए क्या करिए। तू गुस्सा मत हो, तू जाके हमारे वॉशरूम में नहा ले वरना तू कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। ओके लव यू। चलो जाते हैं नहाने, इसको आने दो 2 घंटे बाद। विद्या दी, दी आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आपका फेवरेट उपमा बनाया है। दी जल्दी नीचे आ जाइए। अब दी आपका फोन। दी आपका फोन आ रहा है। अब रुको, तुम कुणाल को नाश्ता परोसो, हम देखते हैं। जी मैडम, मैं डॉक्टर कालरा का लैब असिस्टेंट हूँ। ये आशी मैम की ब्लड रिपोर्ट है। आशी जी? ठीक है। आशी की ब्लड रिपोर्ट देखे तो क्या है? हाँ, शर्म लड़की, मर्यादा की सारी हदें पार कर दी तुमने। आशी, इतना बड़ा पाप किया है तुमने। काकी, हमने क्या किया है? चुप, एक शब्द और नहीं। अब मुंह खोला ना तो मुंह से जुबान खींच लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा इसे? मारेंगे और मारेंगे। जो बदनामी का थप्पड़ इसने हमारे मुंह पे मारा है ना, उसके सामने 100 थप्पड़ कम है। आखिर इसने क्या किया इसने? पाप किया है पाप। ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं है। रिपोर्ट करवाए थे ना आप इस लड़की की, जानते हैं रिपोर्ट में क्या आया है? बच्चा आया है रिपोर्ट में। आपकी आशी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है आपकी लाडली। थप्पड़ क्यों मारा इसे? आपकी आशी मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट है आपकी लाडली। आशी प्रेग्नेंट? ये कैसे, ये नहीं हो सकता। हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी, इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा बवाल कर दिया, और देखो इस लड़की को माथे पर एक शिकन नहीं है। प्यार में इतनी पागल हो गई थी तू, शर्मो हया मान मर्यादा इस घर की इज्जत सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि इस घर ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे एहसानों तले दब गई है तू। अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम एक बार अपने बाबा के बारे में सोचा होता। कितने एहसान है इनके तुझ पर। मना किया था ना सेठ के करीब जाने से, कहे थे ना जब तक शादी नहीं हो जाती दूर रहना इससे, लेकिन नहीं, तुझे तो सिद्ध के आगे पीछे घूमना था, मरी जा रही थी ना उसके पीछे भागने में। और तू हमारे पति ने तुम्हारे लिए हम सबसे झूठ बोला, कहा कि तुम हमारे बेटे हो, इसके पति हो, और फिर भी तूने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। अरे तुझे तो बस मौका चाहिए ना इस आशी के पास जाने का,
तुम्हारे पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। काकी माँ, इन सब चीजों का सिद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ मत बोलिए। सिद्ध ने नहीं किया तो किसने किया? हाँ आशी बोलो, अगर ये बच्चा सिद्ध का नहीं है, कुणाल का नहीं है, तो फिर किसका बाप है ये? अरे बाप करने में शर्म नहीं आई तो नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? बोल ना, किसका है ये बच्चा? बोल आशी, किसके साथ घुल खिलाए? बोल। अमित छोड़ो इसे। तुम्हें इस पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमें हमें इस पे विश्वास है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हाँ माँ, ऐसे भी हो सकता है कि रिपोर्ट्स गलत हो। ए चितंकी, मुंह पे कुंडी मार, बीच में मत बोल। और तू बिटवा, इसने कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा है? हाँ माँ, क्योंकि हमें इस पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे इसके पापा के नाम पे कोई आंच आए। अशी बेटे तू आ, हमारे साथ आ। हम जानते हैं बेटिया कि तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर ये सब कुछ क्यों सुन रही है? तेरे चरित्र में जो उंगली उठ रही है, उस उंगली को तोड़ क्यों नहीं देती? बेटा तू सबको बता दे कि ये झूठ है। बेटा सबको सच बता दे, तेरे बाबा तेरे साथ है। बेटा बोल दे, सच बोल दे। क्या सच सबके सामने आ गया है अमित जी? अब कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, अब आप एक बार भी कुछ नहीं कहेंगे। अब जो फैसला लेना है हम लेंगे, अब एक पल के लिए भी ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम एक पल के लिए भी इसे यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलो यहां से, निकलो, निकलो यहां से। अपना ये बोझ लेकर चली जाओ यहां से। बेटा हमारी हमारी बात सुनो। अरे बड़ी मान सम्मान की बातें करती थी ना, हम नहीं जानते थे तेरे अंदर इतना गंदा पाप छिपा हुआ है। निकलो यहां से, छोड़िए आप इसे, निकलो निकलो। आशी कहीं नहीं जाएगी, आशी के बच्चे को हम अपना नाम देंगे, इसे इसके बच्चे के साथ अपनाएंगे। आशी, आशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जरूर कोई बात है। नहीं, आशी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, ये क्या बोल रहा है तू? किसी और के पाप को अपना नाम देने जा रहा है? अरे इस लड़की ने विश्वासघात किया है तेरे साथ। और हम इसे अपनाएंगे। आशी से गलती हुई है, लेकिन हम इससे प्यार करते हैं, और उस प्यार के लिए हम आशी की कोई भी गलती माफ कर सकते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी नफरत इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हमारा प्यार, बचपन में एक रिश्ता जोड़े थे, एक वादा किए थे, उसे निभाएंगे। बरसों हमने आशी से मिलने का इंतजार किया, इसे ऐसे बीच में छोड़ दे? नहीं, हमारे दिल ने आशी को माफ कर दिया। तूने माफ किया इसे, लेकिन हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। झूठ क्यों बोला?
आशी, मैं जानता हूँ तू प्रेग्नेंट नहीं हो, ना ही कुणाल और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है और ना ही मेरे और तुम्हारे बीच में, तो ये प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। सच क्या आशी, तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों आशी? सच जो भी हो, हम प्रेग्नेंट हो या ना हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो आशी हमेशा सच बोलती है, वो अगर झूठ बोल रही है तो उस झूठ के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। प्लीज फोन उठाओ। क्या है ये सब और क्या करने वाली हो? हाँ आप बताइए, क्या कर रही हैं आप? ये मैंने क्या किया? हाँ और ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप कर रही हैं। इस घर की इज्जत को बेइज्जत आपने किया है। प्रेग्नेंट हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, प्रेग्नेंट आप हैं। हम जानते हैं वो रिपोर्ट साफ की थी, रिपोर्ट्स पे नाम हमारा कैसे आया बताइए दी, रिपोर्ट्स पे नाम हमारा कैसे आया? ये सब क्या कह रही हो तुम? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सबूत, सबूत चाहिए ना आपको? हम बताते हैं, जब हम बेहोश थे तो उस रूम में हमारे साथ सिर्फ नर्स नहीं थी, वहां कोई और भी आया था और वो कोई और आप थी विद्या दी। तुम्हें तो मैंने हॉस्पिटल में देखा था और तुमने अर्शी अपना नाम बताया था ना, और अर्शी तो ये है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? देखो तुम ये पैसे रखो और किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन किसी से कुछ मत कहना प्लीज। पहले तो हमें लगा कि हम शायद बेहोशी में कुछ भी देख रहे हैं, हमारा वहम होगा, पर आज सुबह जब हम आपके रूम में आए ना, आपको और निधि को नीचे रास्ते के लिए बुलाने के लिए, आप वॉशरूम में थी तब आपके नंबर पे बार बार एक नंबर से मिस कॉल आ रहा था। कालरा नर्सिंग होम से दो मिस्ड कॉल्स, ठीको हॉस्पिटल से क्यों कॉल आ रहे? मिस आशी आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप फोन नहीं उठा रही तो रिपोर्ट्स हमने घर भेज दी है। ये कौन सी रिपोर्ट्स होंगी? और हमारी रिपोर्ट्स देखे मैसेज पर? दी, आप ठीक है? आपका नर्स से बात करना, अपना नाम झूठ बताना, हमारे नाम की रिपोर्ट्स आपके फोन पे आना, आपका वोमिट करना, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो रिपोर्ट सही, सब समझ में आ गया दी, हमारे नाम की रिपोर्ट्स आपके पास। बताइए दी, अभी भी हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे तो सच क्या है? हाँ, 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 लेकिन मैंने जो भी किया तुझे परेशान करने के लिए या फंसाने के लिए नहीं किया। आशी, I'm sorry, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मैं माँ बाबा को क्या बोलूं? एक बात हमको अभी भी समझ में नहीं आई, वो रिपोर्ट्स पे हमारा नाम कैसे? मुझे शक था कि मैं प्रेग्नेंट, तो मैं बस हॉस्पिटल गई थी चेक करवाने के लिए, वहाँ डॉक्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने तेरा नाम ले लिया ताकि कल को अगर बात सामने भी आए तो मेरा नाम ना आए। आशी, तूने तो आज तक मेरी इतनी हेल्प की है ना, एक बार और कर दे प्लीज। आई नो नकुल सुनेगा ना तो वो बहुत खुश होगा, फिर हम घर वालों को सब कुछ सच सच बता देंगे और शादी कर लेंगे, बट प्लीज जब तक मेरी नकुल से बात नहीं होती है बात किसी को मत बताना, एक बार मेरे लिए झूठ बोल दे आशी, प्लीज सच को छुपा दे, प्लीज 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 प्लीज। बेटी, आपके लिए और इस परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप
प्लीज रोना बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। होगा ना, जरूर होगा, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुरिया, तो सच में ये सब करना चाहती है? हाँ अम्मा जी, देखा नहीं आपने कुणाल कैसा पगला गया है इस लड़की के पीछे, और वो सियानी अपनी मासूम सी शक्ल लेकर हमारे बेटे को फंसा रही है। तभी तो कुणाल किसी और के बच्चे को अपनाने को तैयार हो गया है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो सिड जिसके खुद के खून और खानदान का पता नहीं है, उसके बच्चे को हम अपने खानदान का नाम देंगे, कभी नहीं। अच्छा चलते हैं। वैसे एक बात बताना तो भूल ही गए, इसकी मात्रा का इस्तेमाल बहुत ध्यान रख के करना होगा। जरा सी भी मात्रा इधर से उधर हुई तो बच्चे के साथ साथ माँ की जान भी जा सकती है। आशी के बच्चे को हम अपना नाम देंगे, इसे इसके बच्चे के साथ अपनाएंगे। नहीं, हम उस बच्चे से पीछा छुड़ा के रहेंगे। निधि। हाँ माँ। याई याई। सॉरी। निधि बेटा, ये दूध जाकर आशी को दे दो। उसने नाश्ता भी नहीं किया ना, इस हाल में भूखे पेट रहना अच्छा नहीं है, तो जा बेटा पिला दे उसे दूध। जा माँ, आपको आशी की इतनी फिकर कब से? आप तो उससे नाराज थी ना, फिर वो तो अब भी है, लेकिन इस सब में उस बेचारे अजन्मे बच्चे का क्या कसूर? अब किसी और के किए की सजा उसे तो नहीं दे सकते ना। हम जानते थे माँ, आप बाहर से भले कितनी ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हो। I love you. चल चल जा। Yes. संभाल के। हाँ, don't worry. हम कितनी कठोर हैं ये तो तुम्हें अब पता चलेगा निधि, जब तुम ये दूध आशी को पिलाओगी। राम जी, क्या करें, हमसे भी दी की हालत देखी नहीं जा रही। ओए पिद्दी, कहाँ खोई है? कहीं नहीं। अच्छा सुन, ये दूध पी ले, माँ ने स्पेशली तेरे लिए भिजवाया, उन्होंने कहा है कि ऐसी हालत में ना भूखा पेट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ले। निधि नहीं, हम बाद में पिएंगे। हैं? बाद में क्यों, अभी पी ले, चल ले। आशी, पता है आशी, आज हम बहुत दुखी, दिल दुख रहा है। क्या सोचे थे और क्या हो गया, हमारी शादी बचपन में हुई है, हम सिर्फ तुम्हें ही चाहे, तुम हमारा इंतजार भी नहीं की, और किसी और की हो गई, फिर भी ये हमारा दिल, क्या करें इसका। कोई नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अरे हाँ, तुम दूध पी रही थी ना, पी लो, बच्चे के लिए अच्छा है ये। कुणाल भाई, कोई बात नहीं, हम पिला देंगे। क्वीन, पूरा दूध गिरा दिया,
कोई बात नहीं, हम दूसरा लेके आते हैं। सॉरी आशी। इतनी बढ़िया साजिश रचे थे लेकिन कुणाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने शराब नहीं पी है? नहीं, नाटक था वो सब। हम पूरे होश में हैं और वो जो दूध हमने गिराया ना, वो जान पूछ के गिराया ताकि आशी वो दूध ना पिए। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि देख लिए थे हम, आपने दूध में दवा मिलाई थी आशी के बच्चे को मारने के लिए। क्यों, क्यों किया आपने ऐसा? तो और क्या करते हम, तो पगला हुए बैठे थे। अरे किसी और के नाजायज बच्चे को अपना नाम देने चले थे। तुम होंगे महान कुणाल, हम नहीं है। हमें नहीं चाहिए वो बच्चा। अरे पर हमें तो चाहिए ना। अरे वो बच्चा ही तो हमारी तिजोरी की चाबी है। आप भूल गई, हमें आशी का बच्चा ही चाहिए था। बच्चे से मतलब है, बाप चाहे कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। माँ आपको याद है बाबा ने क्या कहा था? वो पैसे 15 साल बाद ही तुझे मिलेंगे या फिर तेरे बच्चे को मिलेंगे। तो बस एक बार बच्चा आ जाए, आशी की जायदाद तो नॉमिनी बन जाए, उसके बाद हम आशी को खुद रास्ते से हटा देंगे। हमें आशी की कोई जरूरत नहीं है। आशी को रास्ते से हटा देगा मतलब? मतलब ये कि एक बार जायदाद हमारी हो जाए, उसके बाद आशी या उसके बच्चे से हमें क्या लेना देना। आशी जिए हमारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह चाहे जो भी हो कुणाल, तू बच्चे के पैदा होने तक भले आशी को झेल ले, पर हम नहीं झेल सकते। उसने जो पाप किया है उसके लिए हम उसे कतई माफ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे नाजायज बच्चे को इस परिवार में जगह कभी नहीं देंगे। हम जो करने जा रहे हैं वही सही है, हमें माफ कर देना। हाँ अमृता आंटी, आपने तो एक सेकंड में मेरे रास्ते के कांटे को काट दिया। अब मेरे और सिद्ध के बीच में कोई तीसरा नहीं, कोई आशी नहीं। आशी मर गई, आशी मर गई, आशी मर गई, आशी मर गई। ओह गॉड, तो ये एक सपना था। आशी की बच्ची मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ रही है यार। कितनी कोशिश की मैंने कि मेरे और सिट के बीच से हट जाए, कितनी चालें चली, लोगों को भी उसके खिलाफ भड़काया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, पर अब बस बहुत हो गया। इस बार मैं मेरे रास्ते के कांटे को ही काट दूंगी। आशी को मेरे और सिट के बीच से तो क्या, इस दुनिया से ही हटा दूंगी। बिल्कुल सही सोचा, और शायद ये जो सपना था ना, ये उसी का संकेत था। देखो वैसे भी अमृता आंटी आशी से बहुत नफरत करती है, तो अगर तुमने आशी को अपने रस्ते से हटाया भी, सारा इल्जाम ऑटोमेटिकली अमृता आंटी पे आ जाएगा। हाँ ये सही रहेगा, अब मैं उसे अपने रस्ते से हटा दूंगी और नाम गूंजेगा अमृता अमृता। क्या सही आइडिया दिया यार गीत। मैं जाती हूँ।